हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैफिक ब्लॉग ऑफ बैंगलोर। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने लंबा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो दिन है आज का मिडल ऑफ द वीक, 17 मई 2023, सुबह के 9:30 बजे। यूजली मैं इस टाइम ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं जब जाता हूँ ऑफिस बेसिकली अराउंड 1:30 के आसपास, जब ट्रैफिक नहीं होता। बट सडनली देयर इज सम क्लाइंट विजिट और समबडी कमिंग फ्रॉम द US ऑफिस, सो मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। सो मैं भी नहीं मानता था बैंगलोर का ट्रैफिक, बट रियली ट्रैफिक है, काफ़ी ट्रैफिक है। मेरे घर से मेरा ऑफिस हार्डली अराउंड 10-11 किलोमीटर के आसपास है, बट ट्रैफिक देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज है। चलिए, ट्रैफिक तो लगा रहेगा। बात करते हैं आज हम, जहाँ लास्ट टाइम ने छोटा सा निसान मैग्नेट का जो इशू आया था मेरे पास, ब्रेक वाला, ब्रेक का इशू, तो क्या हुआ उसका, कैसे क्या निपटारा हुआ, कैसे कितना पे किया मैंने और कैसे रिजॉल्व हुआ, उन सब चीज़ों की बात करेंगे हम आज। सो बात है कुछ अराउंड ईद के अगले दिन, अराउंड 22 या 23 अप्रैल की आसपास हमने प्लान किया था बेंगलोर टू ऊटी जाने के लिए। नो आइडिया कि इतना रश होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की और चले गए। होटल वगैरह ऑलरेडी हमने बुक कर लिया था वहाँ पे। अब क्या होता है कि मतलब हमने घाट पे चढ़ना शुरू कर दिया, चढ़ते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि मतलब हमने बोनेट खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि हीटअप मतलब गर्मी है और गर्मी की वजह से गाड़ी चढ़ाई पे काफ़ी हीटअप हो जाती है। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि पावर लॉस हो रहा है, तो मैंने भी गाड़ी अपनी साइड में लगा के बोनट खोल दिया। मैंने कहा लेट बी कूल इट डाउन, और ठीक है, कूल हो रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आपको, जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ब्रेक लग नहीं रहे हैं, और ब्रेक लग नहीं रहे हैं तो मतलब ब्रेक हार्ड हो गई बहुत। तो मैं थोड़ा बहुत चलाया, मैं शायद तो अभी स्टार्ट की गाड़ी तो इसलिए चक्कर में हो रहा होगा, बट अगेन बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगी। मैंने हार्डली 100-200 मीटर और चलाई और साइड में एक सेफ जगह देख के गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया। फैमिली थी इसलिए रिस्क लेने वाली बात नहीं थी, तो मैंने वहीं रोक दी गाड़ी। उसके बाद मैंने RSA को कॉल किया और RSA आई, बहुत लेट आए RSA वाले, जो टोइंग आई थी अराउंड 5-6 घंटे बाद आई, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। आई कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, और मल्टीपल ब्रेक डाउन हो रहे थे इसलिए गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही थी जल्दी। तो अब वहाँ से टो गई गाड़ी, गाड़ी टो के गई कोयम्बटूर जो कि नियरेस्ट सर्विस सेंटर था। और नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आई कि हाँ भाई, आपका जो ब्रेक का वैक्यूम पंप है वो ख़राब हो गया है, प्लस ब्रेक पैड भी चले गए हैं, चेंज करना पड़ेगा। और नहीं, ये थी कि उसमें आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा और कोई गारंटी नहीं मिलेगी। मैंने पूछा पैसे कितने लगेंगे, तो उन्होंने कहा टोटल अराउंड क्या है, अप्रॉक्सीमेट अराउंड 11,000 के आसपास खर्चा होगा और विद इन 2-3 दिन में गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ ऊटी में थोड़ा घूमे फिरे। हमने कहा चलो वेकेशन पे क्या स्पॉइल करना, तो फिर हम वहाँ से वापस बेंगलोर आ गए। और विद इन 3 डेज हमारे पास कॉल आ गई कि हाँ भाई, आपकी गाड़ी रेडी हो गई है, आप आके ले सकते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप ये तो नहीं आ सकते, वीकेंड में ही आ सकते हैं। तो हमने फिर सैटरडे का प्लान किया बाय बस, मैं बैंगलोर से कोयम्बटूर गया, और फिर नेक्स्ट डे विद इन 15-20 मिनट में गाड़ी मिल गई। टोटल खर्चा कुछ आया था 10,300 के आसपास, UPI कैश के थ्रू पे कर दिया मैंने। सो उसके बाद ठीक है, गाड़ी आ गई, अब परफेक्ट चल रही है गाड़ी, कोई इशू नहीं है। सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतनी जल्दी ब्रेक कैसे ख़राब हो गए। जब मैंने उनसे पूछा तो उनके पास भी कोई रिप्लाई नहीं था इसका, और इतनी जल्दी वैक्यूम पंप, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाड़ी पहले भी चला चुका था, अब मुझे कोई कभी इशू नहीं आया था इन ब्रेक पैड का, इसका कभी इशू नहीं आया था, बट ये सडनली निसान में ये इशू क्यों आया, ये भी ओपन क्वेश्चन हैं जिसको मैं ढूँढ रहा हूँ। सो बी केयरफुल, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ब्रेक वगैरह चेक कर लें, अगर स्पेशली आप जब हिल्स पे जा रहे हैं, और क्योंकि
इमरजेंसी में मतलब कहीं भी है तो मतलब अगर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें जो कि पहली चेकलिस्ट में नंबर वन होनी चाहिए। और आई विल थैंकफुल टू द RSA टीम। RSA अगर आपने नहीं लिया तो अब जाके प्लीज़ निशान के कनेक्ट में जाके आप RSA परचेज कर सकते हैं। 3 साल का 3,500 के आसपास था। और आयरनी ये थी, मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरे जो पहले जो RSA मिला था इनके साथ वो 2 साल का था, वो ख़त्म हो चुका था। मैंने ऑन द स्पॉट दोबारा रिन्यू कराया उसको और उसके बाद कॉल किया उनको ताकि वो इसमें रहे। मतलब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मोस्टली केसेस में नहीं होता ऐसा कि मैंने आज जिस दिन उसको बाय किया RSA उस दिन वो लोग कर दें, बट थैंक्स टू निशान RSA दे आर रियली गुड। ये बात तो मैं मतलब दूसरी बार यूज़ कर रहा हूँ जैसे इनका RSA तो बहुत काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप नहीं लिया हुआ RSA तो ले लीजिए, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 3,000 में 3 साल के लिए, नॉट अ बिग अमाउंट। बट अगर एक बार गाड़ी टो कर आते हैं तो अराउंड 5,000-6,000 का खर्चा आ जाता है जो कि एक बार में आपका वसूल हो जाता है। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर दैट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भी आएंगे। अभी मैंने सेकंड सर्विस भी ली थी इसकी, उसके बारे में बात करेंगे और क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या सब वो चीज़ आ रही है, वो भी उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो एंजॉय द बैंगलोर ट्रैफिक, मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ। बाय, टेक केयर।